उद्धव ठाकरे सत्ता तो गंवा चुके हैं, अब पार्टी बचाने में जुटे हुए हैं, इसलिए आज विधायकों को भावुक चिट्ठी लिखी और विधायकों के समर्थन पर शुक्रिया अदा किया। वहीं वर्धा से शिवसेना सांसद रामदास ने दावा किया कि 12 सांसद शिंदे गुट को समर्थन देंगे, तो शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायक मामले पर जल्द सुनवाई की मांग भी की है, जबकि शिवसेना ने दावा किया है महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार गैर कानूनी है। बागी विधायकों के मसले पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने क्या कहा, आप भी सुनिए। फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा क्या इस देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र है बचा है, क्या इस देश में संविधान कानून है या उसकी भी हत्या हो गई, उस बारे में फैसला करेगी देश की सर्वोच्च न्यायालय। महाराष्ट्र की जनता ने, देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के तरफ बहुत ही आशा और अपेक्षा से देख रही है। हमें विश्वास है आदित्य ठाकरे जी मुंबई में जो निष्ठा यात्रा निकाल रहे हैं, उनको जो प्रतिसाद जो रिस्पांस मिल रहा है ओवरवेलमिंग बहुत ही बढ़िया है। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता जनता आज भी पूरी तरह से सिर्फ शिवसेना के साथ, ये जो गुट है असली नकली वाला जो मुद्दा है उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। हम सब लोग महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, मैं कल नासिक में था, नासिक से आगे गया था, लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं हमको सुनने के लिए, हमसे मिलने के लिए। उसका मतलब क्या है, शिवसेना शिवसेना है, कोई बाहर निकल जाता उससे वो अपना भविष्य खुद देखे।